मेरा नाम राकेश नरवाल है और मेरी एज 20 साल है और मेरे को खेलते समय 8-9 साल हो गए कबड्डी खेलते हुए और मैं रेंडाणा सोनीपत का निवासी हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, सुबह हम 5 बजे उठते हैं और यहाँ 5:30 बजे हम कबड्डी वर्कआउट चालू कर देते हैं और 5 से 2 घंटे हम लगातार कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हैं। हमारे बड़े जो सीनियर थे यहाँ पहले से कबड्डी खेलते हैं और हमें भी कबड्डी खेलने का बहुत शौक है। मिट्टी का खेल हमें पसंद है बहुत खेलना। मेरे मामा भी कबड्डी खेलते थे इसलिए मुझे कबड्डी अच्छी लगती थी, तो मैं यहाँ पर कबड्डी खेलने के लिए आ गया। सर्दियों में स्कूल में जाते थे, फिर 3 बजे का यहाँ पर ग्राउंड का टाइम था तो 2-2:30 बजे छुट्टी होती थी, फिर घर खाना खुना खा के सीधे ग्राउंड पर आते थे फिर वापस। खाने में बहुत कुछ पसंद है पर अपने सादा खाना रोटी और सब्जी दूध यही है। ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाते हैं इसलिए दम बना रहे और दम नहीं फटे। घर वाले पूरा सपोर्ट करते हैं, जैसे कि बड़ा भाई भी कबड्डी खेलता है वो पूरी सपोर्ट करता है। जिस दिन जैसे हम ग्राउंड पे नहीं आते घर पे जाते हैं और ज़्यादा पिटाई भी करते हैं, सीनियर खिलाड़ी भी करते हैं पिटाई, तो इसलिए कैंटीन आना पड़ता है खिलाड़ियों। मेरा जखपाल नाम है, हरमन 18 साल हो गए यहाँ पर, बच्चों को शिक्षा देते हैं। मिट्टी का तो मिट्टी का खेल होता है, जितनी जान रेडर की और डिफेंस की मिट्टी में लगती है ना, इतनी मट पर नहीं लगती। प्रो कबड्डी में बहुत बच्चों को बहुत इनफिट हो गया, डबल बच्चे मेहनत करने लग गए, डबल ग्राउंड चलने लग गए। पहले तो 4 साल में एक एशियाड हारदा और कोई एक आधा टूर आ जाता, बाकी कबड्डी कहाँ थी पहले। यहाँ हमारे हरियाणा में भी मोटे मोटे गांव में कबड्डी थी। पैसा दी हो गया, नौकरी होगी, जितनी नौकरी वालों ने देखे हैं पैसों के साथ खिलाड़ी और लगन करा है थोड़ी। मुझे सविंदर वाल प्लेयर पसंद है, हरियाणा स्टीलर में जो हमारे ग्राउंड पर प्रैक्टिस करता है यहीं पर खेलता है। उसका एक स्किल है जैसे कि वो आगे जाके किक करता है और वो लगभग ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, वो उसका बेस्ट मोमेंट है खिलाड़ी का। गेम के साथ कोई अच्छी जो मिल जाए और गेम में अपने गांव का नाम रोशन करें और लीग खेल लें, इंडिया के लिए खेल लें, बस यही है ड्रीम, दो और तो कुछ नहीं है।